अहलिया समेत 9 को कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस, गिरफ्तारी पासपोर्ट जब्त करने की बैंक की याचिका पर जारी किया नोटिस। माल्या पर बैंकों का 7,800 करोड़ का बकाया। कॉल ड्रॉप मामले पर टेलीकॉम कंपनीज को नहीं मिली राहत, कॉल ड्रॉप मुआवजे पर 10 मार्च को सुनवाई। फिर विवादों में 251 रुपए में स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली रिंगिंग बेल्स, एडकॉम ने लगाया ब्रांड खराब करने का आरोप। रिंगिंग बेल्स को मोबाइल सप्लाई करती है एडकॉम। सरकार ने छोटे ज्वेलर्स को दी राहत, 12 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर लगेगी 1% एक्साइज ड्यूटी, बजट में हुई थी घोषणा। H1B वीजा मामले में भारत ने WTO में दर्ज कराई शिकायत, वीजा की संख्या सीमित करने और फीस बढ़ाने की शिकायत थी, अमेरिका 10 दिन में दाखिल करेगा जवाब। होंडा और महिंद्रा ने भी बढ़ाए गाड़ियों के दाम, होंडा की गाड़ियां 4,000 से 79,000 तक महंगी, महिंद्रा ने 5,500 से 47,000 रुपए तक बढ़ाए दाम। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 2 चरणों में वोटिंग, तमिलनाडु पांडुचेरी और केरल में 16 मई को मतदान, 19 मई को 5 राज्यों के नतीजे। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर 2 महीने बाद टूटी महबूबा की चुप्पी, कहा केंद्र रखे जम्मू कश्मीर की उम्मीदों का ख्याल तो मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव, जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 249 सीटों में 57 अल्पसंख्यक और 45 महिला उम्मीदवारों को टिकट। मुंबई से सटे भिवंडी में कार से बरामद करीब 3 करोड़ का कैश, सीट के नीचे लॉकर बनाकर छिपाया गया था पैसा, इंदौर से मुंबई लाई जा रही थी रकम, हवाला का शक, 2 लोग गिरफ्तार।